निमाड़ और मालवांचल में एक नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है, मटकी नृत्य। आप जानते हैं? यस। आप मुझे बताइए कि कितने साइज की मटकी लेकर के इसमें डांस किया जाता है? सरगोन में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे जो वहाँ का सामाजिक परिवेश था वो बिगड़ गया था। बताते हैं उसके बारे में। एज अ डिप्टी कलेक्टर, अगर आपके पास युवा बेरोजगारी की समस्या लेकर आते हैं और पलायन करने पर के लिए जोर डालते हैं, तो आप इस समस्या के लिए कैसे निराकरण करेंगे? G20 के टाइम पर ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया को बोला गया। क्या कारण है इसका? एक टर्म होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड, समझते हैं आप? अरे निमाड़ में, निमाड़ का खजुराहो किसी जगह को कहा जाता है। नरेश जी, खरगोन से हैं आप? जी सर। चलिए बढ़िया। खरगोन को सोनहरा जिला कहा जाता है? जी सर। क्यों? सर खरगोन जिले में कपास अच्छी मात्रा में पाई जाती है और कपास से जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है वो होता है, इसलिए खरगोन को सोनहरा जिला कहा जाता है। नरेश जी, खरगोन में एक बहुत बड़ी मिर्च मंडी कहाँ है? सर लाल मिर्ची की मंडी है, खरगोन जिले के बेड़िया गाँव में स्थित है, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिर्च मंडी था। खरगोन में ऐसी कोई ऐतिहासिक जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करनी है? सर खरगोन जिले का महेश्वर है, ओके, जिसको लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। वहाँ पर किले स्थित है, घाट स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे का भी मान वगैरह पर। ठीक है, अभी हाल ही में थोड़े समय पहले की बात है, तो खरगोन में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे जो वहाँ का सामाजिक परिवेश था वो बिगड़ गया था। यस। बता पाएंगे उसके बारे में? किस चीज़ सर? सर रामनवमी के टाइम पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में लड़ाई हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, वहाँ पर कई लोग रखे आए। ठीक है। बास्केट मैम, आपने लिखा है कि आपकी रुचि है इसमें। यस। कोई ऐसे खिलाड़ी जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करें बास्केटबॉल? सर एक माइकल जॉर्डन है, जो कि NBA की तरफ से खेलते हैं, नेशनल बास्केटबॉल लीग की तरफ से, वो अच्छे खेलते हैं। और माइकल जॉर्डन किस जगह से, बता पाएंगे हम? सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिविल इंजीनियरिंग करी ना आपने? जी सर। आप बता पाएंगे कि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क सर ये प्रेशर होता है, फोर्स। मतलब हम जब डिज़ाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन, तो हम पावर का देखते हैं कि कितना उस पर लगेगा, जैसे लाइव लोड और डेड लोड को मिलाकर आप टोक कर निकालते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बेंडिंग फोर्स बता पाएंगे? यस सर। सर बैटिंग फोर्स से जैसे हम जब RCC का प्रयोग करते हैं, टीम कोर सीमेंट कॉन्क्रीट जी, तो उस पर हम देखते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका कितना है, कितना बेंड होगा। और सर टेंसाइल स्ट्रेस में एक इलास्टिसिटी उसमें रहती है कि अगर जैसे कोई बिल्डिंग का पार्ट डैमेज होता है तो कितना जल्दी इलास्टिसिटी उस पर। अरे जी, आप मुझे ये बता दीजिए ईंट का साइज क्या होता है? सर 19x9x9। यस। और सर उसमें गैप रहता है बीच में, वो क्यों दिया जाता है? सर जब सीमेंट के साथ यूज़ करते हैं ब्रिक को जी, तो उसमें जो आएगा मजबूती प्रदान करने के लिए आपस में जुड़ाव बना रहे। आपने अपने उत्तर में सीमेंट का नाम लिया, सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? सर जहाँ मैं अभी ध्यान कर पा रहा हूँ, डेवन से रहे सेवंथ रिंग उत्पादन। यस सर। भंडारण में सर उस बाहर पी। अच्छा, सेवंथ रिंग अगर आप मध्य प्रदेश ही बता रहे, तो आप ये मानोगे कि मध्य प्रदेश के अलावा और कौन से अग्रणी राज्य जो सीमेंट उत्पादन में आगे? सर राजस्थान से एंट्रीज उतना रिमाइंड नहीं कर पाया। चलिए कोई नहीं। मुझे अच्छा, आपके जब हम एकेडमिक देखते हैं तो हाई स्कूल में थोड़ा सा ड्रॉप है, फिर आप ट्वेल्थ की बात करते हो तो एकदम से हाइक पे गए, फिर वापस से स्नातक में नीचे, तो अप एंड डाउन की कोई वजह? सर टेंथ बोर्ड में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उस टाइम में उतना अच्छा नहीं कर पाया स्कोर, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि 70+ बने, 69 पे एना हुआ और ट्वेल्थ में अच्छा हुआ था। लेकिन सर ग्रेजुएशन में मैं शुरू शुरू में रहने आया था, तो वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं थे जिसको मुझे समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई थी, तो उस टाइम थोड़ा सा। ठीक है, हमारे निमाड़ में
निर्माण का खजुराहो किसी जगह को कहा जाता है? यस सर। सर खरगोन जिले के उन कहा जाता है, उनमें बार बार कालीन शिव मंदिर पर है जो कि खजुराहो के अलावा केवल खरगोन में ही नहीं। वेरी गुड। चलिए झाबुआ आपके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। यस सर। सर झाबुआ जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन भील जनजाति अधिक पाई जाती है और यहाँ पर भगोरिया उत्सव मनाया जाता है जो होली के 7 दिन पहले मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार है और उसमें प्यार का प्रतीक है। भगोरिया का आपने जिक्र करा। यस। कोई विशेष जनजाति बनाती है भील जनजाति? और गुलालिया या उजाड़िया के बारे में सुना है? यस सर। सर गुलालिया में युवक और युवतिया एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगा दिए और उजाड़िया पर यह त्यौहार मतलब आखिरी स्टेज में रहता है, मेला लगता है और खत्म हो जाता है। झाबुआ में कोई औद्योगिक क्षेत्र? यस सर। सर मेन नगर है जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेंटर बना हो। और किसी चीज़ को जी टैग मिला आप? जी सर कड़कनाथ वो वेब लेना है जी। क्या खास बात है इस मुर्गे में? सर इसमें का जो ब्लड रहता है वो ब्लैक मतलब होता है, इसमें जैसे ब्लैक का एंड भी कहा जाता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यही वजह है? यस, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है और पॉजिटिव रहता है। ठीक है मैं प्रोटीन। ललित जी खरगोन खरगोन जिले से आया, खरगोन जिले के 5 समस्याएं बताइए। पहली समस्या तो वहाँ पर हेल्थ को लेकर है, जिससे खरगोन जिले में भी काफ़ी आदिवासी रहते हैं तो उनमें सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है और सिकल सेल एनीमिया के कारण जो ट्राइबल पॉपुलेशन की युवतियाँ हैं महिलाएँ एक ही मृत्यु हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया की सबसे बड़ी समस्या खरगोन जिले में और इसके लिए मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगूभाई शरण भाई पटेल भी रिसेंटली खरगोन में आए थे सिकल सेल एनीमिया का बढ़ावा देने के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम अक्सर हो जाता है और खरगोन जिले में कई एक बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। और सर मैं दूसरी चीज़ तो ट्रैफिक की हो गई। तीसरी एजुकेशन को लेकर यहाँ पर लिटरेसी लेवल भी कम है खरगोन जिले का और इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक बना हुआ है जिसका इनरोलमेंट रेशो इतना अच्छा नहीं है, बट खरगोन में रहते हुए भी बच्चे इंदौर में आ जाते हैं तो उसी समस्या बेरोजगारी दर अधिक है तो पलायन होता है। और पांचवी समस्या पानी की समस्या है जिसमें गर्मियों में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एक आपने बताया कि बेरोजगारी दर अधिक है इसलिए पलायन बड़े शहरों की ओर हो जाता है। मान लीजिए आप खरगोन जिले के डिप्टी कलेक्टर या उच्च पद पर आसीन होते हैं तो एज अ डिप्टी कलेक्टर अगर आपके पास युवा बेरोजगारी की समस्या लेकर आते हैं और पलायन करने पर के लिए जोर डालते हैं तो आप इस समस्या के लिए कैसे निराकरण करेंगे? मैम अगर मुझे डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है तो मैं खरगोन जिले में जितने भी ITI संस्थाएँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैं उनका निरीक्षण करूँगा और वहाँ पर ही मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा कि इसके डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और जैसे महेश्वर में साड़ियाँ उद्योग बनती है तो कुछ यूनिट खरगोन में स्थापित हो जिससे कि खरगोन लोकल में वहाँ पर रोजगार बन सके। वर्तमान में खरगोन जिले में ITI की कितनी संख्या है कुछ जानकारी है क्या आपको? अभी मैं जहाँ तक मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ 3 सेंटर पर हूँ। ठीक। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसी से संबंधित सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है, क्या है ये योजना? मैं सीखो कमाओ योजना में सीखने के साथ साथ उसमें रिम्यूनरेशन मिलता है, उसमें 5,000 मिलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए इस योजना में? तो मैं मुझे देखना है। ठीक है। निमाड़ी संस्कृति मध्य प्रदेश की एक बहुत प्राचीन और बड़ी प्रसिद्ध संस्कृति कही जाती है, निमाड़ी संस्कृति की 5 विशेषताएं बताइए। निमाड़ी संस्कृति में सभी त्योहारों पर यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं जैसे कलगी तुर्रा जो निमाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है वो मनाया जाता है, फिर फाग उत्सव मनाया जाता है। कलगी तुर्रा नृत्य है? यस। भजन भी है, उसमें नृत्य भी किया जाता है। इसके अलावा पर मांडनीय डांस होता है, अंडा डांस होता है और यहाँ पर हर पर्व पर एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, निमाड़ और मालवांचल में एक नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है, मटकी नृत्य। यस। आप जानते हैं? यस। आप मुझे बताइए कि कितने साइज की मटकी लेकर के इसमें डांस किया जाता है? सॉरी मैम, साइज का तो नहीं पता लेकिन पता है कि मटकी डांस होता है। मटकी एक नोट है जिस पर ढोलक के साथ। मटकी नोट है कि मटकी लेकर डांस किया जाता है, कुछ जानकारी है क्या? मैम जहाँ तक मैंने पुस्तक में पढ़ा है तो एक नोट है, मतलब मैं देखा तो नहीं बस पढ़ाई। जी बिल्कुल, मटकी रहित मटकी नृत्य कहा जाता है इसको। आपको बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है? यस। मुझे बास्केटबॉल गेम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप मुझे बताइए कि बास्केटबॉल खेलने में गेंद का वजन कितना होगा और बास्केट की ऊंचाई कितनी होती है? गेंद का वजन 450 ग्राम होता है
और बास्केट की ऊंचाई जो फोर्ट बना हुआ रहता है उसमें लगभग 10 फुट या 3 मीटर कह सकते हैं। आपकी ऊंचाई कितनी है? मेरी 170 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कोई समस्या तो नहीं आती 10 फुट की ऊंचे बास्केट पर डालने के लिए? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। कब से खेल रहे हैं आप बास्केटबॉल? मैम मैं तो ये स्कूलिंग मतलब 56 क्लास से खेल रहा हूँ बहुत पहले से। ठीक है, अब मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ियों के नाम, क्या मध्य प्रदेश में बास्केटबॉल से संबंधित कोई खिलाड़ी है? यस, सोन प्रताप सिंह है जो कि रतलाम जावरा से, हरेंद्र प्रताप सिंह तोमर है जो वो भी इससे मालवा क्षेत्र से आते हैं, और हरदेव सिंह करके जो भी मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि आपने देखा है कि हाल ही में भारत रत्न पुरस्कारों का प्रदान किया जाना हुआ, रूल रेगुलेशन तो यही बोलता है कि साल में 3 पुरस्कार ही दिए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष 5 पुरस्कार दिए गए, इसके पीछे कोई विशेष कारण देखते हैं हम? एक्चुअली जो 2 पुरस्कार है वो 2023 के हैं और जो 3 है वो 2024। कौन से 2 पुरस्कार है जो 23 के? मैं जहाँ तक मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, माननीय अर्पुरन नागपुर जी और श्री लालकृष्ण अडवाणी जी के 2023 के। आपका कहने का मतलब है कि इनकी घोषणा 2023 में हुई कि 2023 के पुरस्कार हैं? 2023 के पुरस्कार हैं जो अब मिले हैं एक साथ, 2024 में 23 और 24 संबंधित रूप से मिले। किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये पुरस्कार? ये कला और असाधारण कोई सेवा दिवस है। कितनी पुरस्कार राशि होगी? सॉरी, पुरस्कार राशि के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है, कुछ ना कुछ राशि तो दिया जाना बनता है ना? जहाँ तक मैं ध्यान करूँ 5 लाख में। 5? ठीक है, इसमें ललित एससी कमीशन आप जानते होंगे, इसके बारे में बताइए मुझे। एससी कमीशन नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन होता है जो इंस्टीट्यूशन के आर्टिकल 338 के तहत का गठन किया गया है। इसका मुख्य रूप से काम है कि अनुसूचित जातियों के साथ जो भी समस्याएं हैं और दिन अगर पॉलिसी मैटर बनाई जाती है तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कमीशन को क्या देख रेख में बनाई जाती है कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और कंप्लेंट हम वहाँ पर कर सकते हैं। इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर पर्सन। अभी एट प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है इसके? श्री विजय सांतवन। विजय सांतवन, ओके। आपको पता होगा 2023 में इंडिया ने चेयरमैनशिप की है 2 बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, कौन कौन से हैं वो? G20 शिखर सम्मेलन। G20 और इसके अलावा? अच्छा, इंडिया की G20 चेयरमैनशिप में कौन सा आप कहेंगे सबसे बड़ा काम हुआ है? अफ्रीका यूनियन को शामिल किया गया है G20, अब G21 कहलाएगा। G21 कहलाएगा, तो जो G20 है उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज और जो यूनियंस हैं वो कितने हैं? एक तो यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन से सम्मिलित हो गया। चलिए कोई बात नहीं, के साथ साथ में SCO की चेयरमैनशिप भी जो है इंडिया की रही है, तो कौन सी कंट्री है जो मेंबर बनाई गई है SCO की? ईरान। ईरान बनाई, कौन से नंबर की है? चलिए कोई बात नहीं। G20 के टाइम पर ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया को बोला गया, क्या कारण है इसका? बाहर से जो आए मतलब नेशंस, इनका प्रॉपर यहाँ पर रिप्रेजेंट मतलब किया गया है, उनको अच्छे से मतलब कार्यक्रम हुआ है और डेमोक्रेसी। अच्छा, कोई बात नहीं। आधार कार्ड कहना चाहिए कि काफ़ी पुराना नहीं है, तो क्या बेनिफिट्स हैं आधार कार्ड के आने के बाद और कौन है इसकी रेगुलेटरी बॉडी? ये UIDAI नहीं, इसमें मैम अगर कोई भी लाभार्थी है उसको आधार से जोड़ेंगे तो इसमें फर्जी चीज़ों का जो शिकायतें मिलती थी वो बंद हो जाएगी, मतलब बोगस अच्छी। जिस तरह राशन कार्ड में भी आधार का लागू किया जा रहा है, तो आधार कार्ड से आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो पाएगा, जिससे कि एक जो फर्जी प्रमाण पत्र बनते थे या फिर उस वो बंद हो पाए। राशन कार्ड आपने एक टर्म बोली से रिलेटेड, PDS आप जानते होंगे क्या है? PDS PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें चावल, गेहूँ और ये अभिजीत किए जाते हैं जीरो पॉवर्टी लाइन फैमिली और अबव पॉवर्टी लाइन फैमिली। तो ये पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये, जिसमें उपग्रेंस का वो करना मतलब यूटिलाइज करना, जैसे सेंट्रल पूल में कितना लाना, और स्टेट गवर्नमेंट का मुख्य रूप से काम है कि राशन शॉप पर सारी चीज़ों की व्यवस्था करना। चलिए ठीक है, एक
टर्म होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड, समझते हैं आप क्या होती है? डेमोग्राफिक डिविडेंड में वर्किंग पॉपुलेशन अधिक होती है, इसमें 15 एज से लेकर 45 एज तक वर्किंग पॉपुलेशन आती है जो कि देश के लिए इकोनॉमिक प्रोडक्टिव होती है। वर्किंग पॉपुलेशन आपने बोला, एक एवरेज एज जो है इंडिया की yes. वो कितनी है? एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, देखिए प्रॉपर्टी। इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है एवरेज एज के पर्सपेक्टिव पे, इसका क्या रीज़न है, यंग कंट्री क्यों कहा जाता है? मैं यहाँ पर यंग पॉपुलेशन की अधिकता है इस वजह से कहा जाते हैं। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, आपने अभी सिकल सेल एनीमिया जो है वो वर्ड यूज़ किया, तो रिसेंटली सिकल सेल एनीमिया के लिए ओरल सस्पेंशन जो वैक्सीन है वो लाई गई है, उसका नाम बता पाएंगे आप? आयरन पोलिक एसिड। ये सिकल सेल एनीमिया के लिए? इसमें एनीमिया में दी जाती पोलिक एसिड के टैबलेट्स। ओके, और सर्वाइकल कैंसर के लिए भी इंडिया ने अपनी वैक्सीन बना ली है, उसका नाम? सॉरी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। भारत ने तो पुरस्कार में कोई पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है। यस मैम, नहीं दी जाती है? नहीं। अच्छा, आप गलत आंसर्स बहुत दे रहे हैं। बोले कि यंग क्यों है यहाँ पे इंडिया, बोले यंग जनरेशन ज़्यादा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस के कारण आंसर एकदम प्लेन है। अच्छा, बिना किसी फैक्ट, बिना किसी प्रूफ के एकदम प्लेन आंसर जा रहे हैं। थोड़ा भी पढ़ना है अभी, तैयारी स्ट्रेटजी। तुम्हें ये रियलाइज हो जाता है कि तुम उत्तर गलत देने वाले हो तो पहले बोल दिया करो, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। फिर बार बार सॉरी बोलने में भी थोड़ा, सॉरी नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। ऐसी लाइन यूज कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो। बाकी तो नॉलेज अपना सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अच्छा नॉलेज था, खरगोन का भी बहुत अच्छा नॉलेज था, पर जहाँ पे लगता है कि नॉलेज कम जा रहा है तो करंट अफेयर्स में काम है क्या? हाँ ललित जी, थोड़ा फास्ट है बोलने में, थोड़ा लीजिए। टॉर्क सिंपल बोल सकते थे, टॉर्क पे डेफिनेशन बोले तब सिंपल पे तो बोल सकते, काइंड ऑफ फोर्स। यस, आप वहाँ कहाँ ले गए उसको? यस, जैसे आपने टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरी चीज़ें बताई वो तो आपने परफेक्ट बताई, टॉर्क में आप कन्फ्यूज हो गए, या तो मुझे लगा पहली डेफिनेशन आप गड़बड़ कर गए। यस सर, वो थोड़ा अभी मैंने सिविल इंजीनियरिंग को उतना टच नहीं किया है। मैं आप जरूर करिए, क्योंकि आपने जब डाला है तो आपकी उन्हें से जरूर पूछा जाएगा। टॉर्क की डेफिनेशन ना मुझे सेटिस्फाइड लगी। ड्रेसिंग सेंस ठीक है, टाई आपकी जो है वो आंखों में छुप रही है, तो आप चेक्स का प्रयोग ना करें, टाई प्लेन अगर पहन रहे हैं हाँ। तो बिल्कुल प्लेन पहनेंगे आप। ये मेरा पुराने मौके हैं, मतलब नया जो रहेगा आपने किसी ने अगर ये टाई पहन के तो किसी ने बोला जरूर होगा। यस, आप ये थोड़ा कैचिंग हो जाता है, नज़र चली जा रही है उस पर, तो एकदम प्लेन पहने। आपने सूट बिल्कुल परफेक्ट पहना है, उसमें कोई इशू नहीं है, पर आप टाई थोड़ा सा प्लेन पहनेंगे। अब आपने देखिए, मैम ने शायद मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे डेवलप करें एरिया को, तो आपने कहा था कि जो महेश्वर में सारी यूनिट्स से साड़ी से रिलेटेड जो यूनिट्स हम खरगोन में भी लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं लगा, क्योंकि अगर आप महेश्वर को ही डेवलप करने की सोच, क्योंकि खरगोन जिले में ही आता है। यस, अब वहाँ से आप साड़ी का पूरा यूनिट उठा के खरगोन लेके जाएंगे तो ऐसा होगा। हाँ, क्योंकि दूर है, क्योंकि मैं इसी जगह से, क्योंकि खरगोन से महेश्वर दूर है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने खरगोन से रिलेटेड करंट इशू पूछा था आपसे। yes. आप हिंदू मुसलमान का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सांप्रदायिक गलत बोल सकते हैं, आपने यहाँ गड़बड़ कर दिया, आपको ये वर्ड नहीं बोलना है। अच्छा, ये नहीं बोलना, मैंने भी नहीं यूज करा। हाँ, आपको भी नहीं करना है। yes. मैंने ऐसा बोला हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा कि वहाँ ऐसी घटना घटी थी, आपको बताया, आप क्या कहेंगे? सांप्रदायिक दंगा। ठीक है, थोड़ी छोटे छोटे से चीज़ें हैं ये ध्यान रखेंगे तो और सर। तो कितने क्या नंबर एक्सपेक्ट कर सकता है इस टाइप पेंट? 130, 140, 130 मत बोल। ठीक है सर, ओके।